Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. So I'm back with another review video and today I'm going to review again a makeup product which is face primer. जिस primer को मैं review करने वाली हूँ वो बहुत ही affordable primer है लेकिन उसकी जो quality है वो किसी भी high-end brand से कम नहीं है. मैं इसी तरह के product review करती रहती हूँ आप लोगों के लिए जिनका price तो बहुत low होता है लेकिन जिसकी quality के साथ आप लोगों को कोई भी compromise नहीं करना होता है. Recently मैंने एक Blue Heaven का product भी review किया है. इनके साथ आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं. लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या यहां पर कहीं पर लगा दूंगी लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. जिस प्रोडक्ट को आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है. व्हाइट कलर की फ्लैट ट्यूब है, ब्लैक कलर की कैप है और यहाँ पे ब्लैक कलर के फॉन्ट यूज़ हुए हैं. इसका जो प्राइस है वो 240 रुपीज़ है लेकिन मैं इसे 200 ही कंसीडर करती हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, अमेजोन पे हमेशा ही आपको अंडर 200 मिल जाएगा. इस पर हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है जिसमें आपको 30 ml की क्वान्टिटी मिलती है और जिसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की. एंड इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की. तो इसकी आउटर पैकेजिंग जो है वो एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है जिसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था लेकिन उसकी पिक्चर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी. इसकी आउटर पैकेजिंग पर जो भी चीज़ें मेंशन थी सेम चीज़ें इस पर भी मेंशन थी, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती. और उस टाइम बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस चल रहे थे जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मैंने सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करना ही ठीक समझा. लेकिन ऑनलाइन मैंने उसकी पिक्चर ले ली है, मैं उसको भी आपको दिखा दूंगी. उस पर एक चीज़ और मेंशन थी जो कि ट्यूब पर मेंशन नहीं है कि प्राइमर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड प्राइमर को आपको इस प्राइमर को कैसे यूज़ करना है. एंड अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है और ये क्या क्या क्लेम करता है. तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है इनसाइड मेकअप एसेंशियल. देन उसके नीचे लिखा हुआ है प्राइमर 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज्ड. जैसे कि मैंने बोला कि ये 3-in-1 है तो ये तीन चीजें करता है. उसके नीचे यहां पे मेंशन है लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री. अब देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या क्या मेंशन है. तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइमर इंक्रीज द लॉन्गविटी ऑफ योर मेकअप गिव्स 24 आवर्स लास्टिंग विद सैटिन फिनिश. तो 24 आवर्स तक तो ये नहीं चलता लेकिन 8 से 9 घंटे आराम से चल जाता है. और यहां पर जो ये चीज लिखा हुआ कि लास्टिंग विद सैटिन फिनिश तो अच्छी कंडीशन में आपका मेकअप 8 से 9 घंटे तक चल जाता है. उसके बाद यहां पे इंग्रेडिएंट मेंशन है, इसमें सिलिकॉन है, इसमें पॉलीमर है और उसके बाद यहां पे डिटेल्स मेंशन है जैसे कि कंपनी का एड्रेस वगैरह मेंशन है और फिर यहां पे क्वांटिटी वगैरह एंड जो भी डिटेल्स मैंने आपको पहले बता दी वो सारी चीजें यहां पे मेंशन है. एंड एक दो चीजें जो इस पर मिसिंग है लेकिन इसकी आउटर पैकेजिंग पर था वो भी चीजें मैं आपको बता देती हूं. इसकी आउटर पैकेजिंग का जो फ्रंट था वो तो सेम ऐसा ही था लेकिन बैक पे दो चीजें मेंशन थी जो कि मैंने यहां पे उसकी पिक्चर ले रखी है तो मैं आपको बता देती हूं. सबसे पहले इसकी आउटर पैकेजिंग पर यहां पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ था, देन उसके नीचे लिखा हुआ था मेकअप प्राइमर आर अ प्रोडक्ट दैट यू पुट ऑन आफ्टर योर स्किन केयर प्रोडक्ट एंड बिफोर योर मेकअप. मतलब कि ये जो प्राइमर होता है ये आपको आपकी स्किन केयर करने के बाद अप्लाई करना होता है एंड मेकअप के पहले अप्लाई करना होता है. अ प्राइमर इसेंशियली क्रिएट अ स्मूथ कैनवास. जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि प्राइमर जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जो सर्फेस होता है वो स्मूथ हो जाता है, हमारी फाइन लाइन्स में फिल कर देता है, ओपन पोर्स में फिल कर देता है या कोई स्कार है आपके तो उसको भी ये फिल कर देता है. एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेकअप बाय फिलिंग इन स्कार पोर्स इवन आउट योर स्किन. तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी. देन यहाँ पे इसकी यू नो जो जो क्लेम है वो चीज़ें लिखी हुई हैं. लॉक द मेकअप बेस, कि आपके मेकअप बेस को ये लॉक कर देता है. सिल्की स्मूथ टच देता है. ये बात सही है, काफ़ी अच्छा प्राइमर मुझे ये लगा. बहुत ही बहुत ही स्मूथ, जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही बटर की तरह ब्लेंड होगा. एंड उसके बाद थर्ड जो इसका वो है लिखा हुआ है फ्लॉलेस एंड इवन टोन फेस. बहुत ही फ्लॉलेस आपकी स्किन लगेगी, कोई भी फ्लॉज नहीं दिखेंगे. एंड उसके बाद जब आप फाउंडेशन आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा. उसके नीचे फिर है यहाँ पे वाटर प्रूफ एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट. ये भी सही है, वाटर प्रूफ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन ये लाइट वेट तो है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे. एंड उसके बाद यहाँ पे मेकअप फॉर एवर लिखा हुआ है. देन सेम चीज़ें हैं जो कि मैंने इस पर बताई थी, वही 24 आवर लास्टिंग एंड ऑल. तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर जो है यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने और मेंशन कर दी है. और अब देख लेते हैं कि ये प्राइमर कैसा दिखता है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्राइमर बिल्कुल इस तरह से दिखता है, बिल्कुल जैसे मैंने बोला ये सिलिकॉन इसमें है तो बिल्कुल उसी तरह दिखता है और इस तरह से ट्रांसपेरेंट है. पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही लाइट वेट है.
एंड जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया और बहुत मैट फिनिश देगा इस पर। जैसे कि मेंशन है कि ये ऑयल फ्री है, तो ये सच में ऑयल फ्री है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ, वैसे तो मैं इसको अभी अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे आप देख रहे होंगे ना, एक सेकेंड फोकस करने दो कैमरे को, जैसे आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर ये लाइन है, आप देख रहे होंगे ये लाइन है, तो मैं इस लाइन में प्राइमर को करती हूँ, लगाती हूँ। अब ये लाइन जो दिख रही थी वो अच्छे से ब्लर हो गई है, आप देख रहे होंगे कि ये वो जो लाइन थी वो ब्लर हो गई है। एंड जब आप इस पर मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपका जो मेकअप है ना वो लाइंस में, लाइक जैसे हमारे फेस पे फाइन लाइंस होती हैं, पोर्स होते हैं, तो उसमें जाके यू नो सेट नहीं होगा, क्योंकि मेकअप जो होते हैं वो पोर्स में जाके सेट हो जाते हैं, जिससे हमें पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तभी मैं बोलती हूँ कि मेकअप से पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ की जो मैंने बोला कि ये इतना देर तक लास्ट नहीं करता है कि 24 आवर तक ये लास्ट करेगा, बट 8 से 9 घंटे चल जाएगा, मैंने इसको लगा के देखा है। अगर आपने कभी नायका का प्रेपमी प्राइमर यूज़ किया है तो ये सेम वैसा है, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो प्राइमर 700 या 800 का है और ये प्राइमर अंडर 200 आपको मिल जाएगा, लेकिन दोनों में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इस प्राइस में मुझे 3 प्राइमर बहुत अच्छे लगते हैं, एक ये हो गया, एक ब्लू हेवन का एंड एक एनवाइबे का। ये तीनों प्राइमर 200 के आसपास आपको मिल जाएंगे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप एक बार इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, या आप बिगनर नहीं भी हैं, आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते मेकअप पे, तो एक बार जरूर इस प्राइमर को ट्राई करिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।